दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे ट्रेड हो जैसे यूरोप की हो रही है। हमें मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम है तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करती। इट इज वॉर ऑफ इकोनॉमिक और इंडियंस वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन की G20 का हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम ज्यूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। एजेंसी स्पेस एजेंसी नहीं, स्पेस देखो वो तो मैं कहता हूँ कि वो बाद की चीजें हैं। जब हम मैं सबसे पहले चीजें मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले अपने घर में हम दाल रोटी चीजें खाने के काबिल हो जाएं, बाद में ये तो मसला है। ये तो ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें दाल रोटी में इतना उलझाया गया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाया तो मुझे ही लटका देना। इंसान नरेंद्र मोदी को आप एज अ पाकिस्तानी बताइएगा कि अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत सही कर रहा है और वो आगे ले जा रहा है। हमारे ऐसे इधर भी ऐसा कोई होना चाहिए, अल्लाह करे कोई ऐसा आए और जो हम सबको आगे लेके चले। गाइस देखें बुजुर्ग हैं, इनका माइंड जिस तरह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया, क्या नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए जो पाकिस्तान को भी पांचवी बड़ी मैशत बना? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप क्या समय कैसा समझते हैं इंसान नरेंद्र मोदी को आप एज अ पाकिस्तानी बताइएगा कि अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत सही कर रहा है और वो आगे ले जा रहा है। हमारे ऐसे इधर भी ऐसा कोई होना चाहिए, अल्लाह करे कोई ऐसा आए और जो हम सबको आगे लेके चले। गाइस देखें बुजुर्ग हैं, इनका माइंडसेट चेक करें, ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा हुक्मरान मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान मिलना चाहिए जो हमारे मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेके जाए। सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप जैसे दिमाग आप जैसे जहन होंगे तो हमारे दरमियान जो नफरतें खत्म होकर मोहब्बत जल्दी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। सर यहाँ पर जो नफरतें दिमाग में लोगों के दिमाग में जो भरी गई है इंडिया के रिलेटेड, इंडिया के खिलाफ, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई में ही हमसे नफरत करनी चाहिए इंडिया को? नफरत इंडिया को हमसे कर रहा है नफरत? क्या हमें इंडिया को से नफरत करनी चाहिए? हमको क्या जरूरत है, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे, हम अपने मुल्क के करेंगे, क्या जरूरत है? ऐसा ये तो एक ही है ना, एक ही रंग है, एक ही नस्ल है, नस्ल तो एक ही है ना। हम साहब हमारा वो अपनी जगह खुश रहे, हम अपना काम करते हैं, वो हमें ना टोके, हम उन्हें नहीं टोक सकते। हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना किसी दुनिया में पूरा को बना के दिखाएं, कुछ अपना कैरियर बना के दिखाएं। सर उन्होंने बना लिया ना पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया, तालीमी निज़ाम देख ले, उनके IT आप देख ले, उनके उनके टेक्नोलॉजी देख ले, उनकी हर चीज़ जो है ना आगे है उनसे, हम बहुत पीछे हैं। सर हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान सबसे अफजल हैं, सबसे अच्छे हैं, तो हम पीछे क्यों रह गए दुनिया से? इसलिए कि वो मज़हब तो अपनी जगह है लेकिन जो मेहनत है, कोशिश है, तालीम है, वो इधर नहीं है, वो इधर सब जो है ना दो थोड़ा बहुत जो है ना ये चल चला का काम करते हैं, मेहनत नहीं करते पूरी। हाँ सही कर रहे, बहुत बहुत फैक्टेबल बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें। सर यहाँ पर हम हर चीज़ के अंदर देखेगा कुछ जो कुछ भी नहीं करता वो मजहब इस्लाम को बीच में ले आता है, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो ना हो, चाहे वो फरियाज अदा करता हो ना हो, लेकिन वो जब बात आती है किसी भी बात में इस्लाम को बीच में लेकर कहते हैं कि भाई ये तो इजाज़त ही नहीं है। क्या हम इस तरह की बातें करेंगे तो क्या हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम की बात अपनी जगह पर, वो हमारा अपना दीन है, हमारा अपना मजहब, उससे हम चलेंगे तो हमें ही फायदा है कि ना चलेंगे तो हमें नुकसान है। लेकिन दूसरे मामलों में ना हम दुनिया के साथ मिलना चाहते हैं, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। क्या सर आपको लगता है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो जानी चाहिए, लेन देन कर लें हम? देखें ना अभी इंडिया और चाइना के दरमियान भी जंग चल रही है, लद्दाख का कितना बड़ा मसला, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर हम क्यों नहीं करते? लेन देन होना चाहिए, क्यों नहीं होना? हमें भी करनी चाहिए, करना चाहिए, कोई अर्ज नहीं है इसमें। सर अगर हम इंडिया से ट्रेड कर लेते हैं आज, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें आटा यहाँ पर 150-180 रुपये के जी मिल रहा, अगर हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो 25 रुपये के जी, 30 रुपये के जी मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ये चीज़ें हमें हुक्मरान नहीं बताते, ये गलत बात है ना, होना चाहिए। तो हम कश्मीर के मसले को भूल जाना चाहिए अब। कश्मीर का मसला तो है अपनी जगह है, वो अगर थोड़ा सा इशू होता है तो बड़ा बना कर दिखा देते हैं। वो उनकी हुकूमत है, उनके एरिया में है, सही बात है, उन्हें अमन से रहने दें, सुकून से रहने दें,
ये जब भी मसला हल होगा अल्लाह बेहतर करेगा। सर क्या हमारे हालात हैं कि हम कश्मीरियों को भी वापस ले अपने मुल्क के अंदर लेके आए? चले हम उनसे पूछ लेते हैं आज कि क्या आप इंडिया छोड़कर हमारे पास आओगे? वो 25 रुपए का आटा छोड़कर 180 के लिए यहाँ पे आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे, वो बिल्कुल नहीं। उनकी अपने उधर पुराने बाबे दादे रहते हैं, जायद आते हैं, वो कैसे आएंगे? उनके काम का रोजगार उधर है, वो कैसे आ सकते हैं? इधर आके महाजरों के रहना, सही बात, फकीर बन जाएंगे इधर। ये बातें फिर हमें क्यों नहीं समझ में आती? ये अपने अपने दिमाग की बात है भाईजान। हमारे पॉलिटिशियन को भी आई ये बात समझ आ जाती तो हम और इंडिया एक होती, आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर ताकत होती। बिल्कुल एक दूसरे से फायदा हासिल करते। क्या है, क्या है लड़ाई जंग में क्या फायदा होता है? दोनों का नुकसान होता है, आवाम पे नुकसान होता है, महंगाई बढ़ती है, टेंशनें बढ़ती हैं। वो अपने अमन से रहे, हम अपने अमन से रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी। आखिरकार कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अमन का मैसेज दे दें दोनों मुल्कों के दरमियान? जो भी मामला थे उनको अच्छे तरीके से हल करें मुजाकरे के साथ, अगर कोई गुस्सा खिला है तो वो ख़त्म करें, और आवाम का सोचें, अपने मुल्क का सोचें, सब लोगों को सोचें, इंडिया में भी हमारे भाई मुसलमान हैं उनका भी सोचें। क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़े की, बम फेंकने की, इधर बम फेंकने की? नुकसान तो दोनों का ही है, दोनों का ही है सर। अल्लाह अल्लाह की दुनिया का ही है। सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मेरा नाम मकबूल। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस आपसे ये है, मुल्क के हालात के बारे में आपका क्या राय है, क्या ख्यालात हैं, क्या गुजारा हो रहा है? गरीब आदमी नॉर्मल इंसान का गुजारा हो जाता है इस टाइम के अंदर? नहीं, मुल्क के हालात बेसिकली ना खुद पर डिपेंड करता है। जो बंदा अमीर है वो कहेगा यार मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, शानदार है, हम इतनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। जो बंदा गरीब है वो कहे यार कुछ नहीं है, रुल गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान के हालात का देखा जाए ना, तो मेजोरिटी जो वो काम ही नहीं करती, वो फ्री फिर रही है, कोई वहाँ पे बैठा खेल रहा है, कोई कह रहा है जी हमारी फौज नहीं ठीक है, कोई कहता सियासतदान नहीं ठीक है, कोई कहता जरदारी नहीं ठीक है, कोई कहता नवाज शरीफ नहीं ठीक है। वो भाई जरदारी को आपने ठीक करना है, नवाज शरीफ को आपने ठीक करना है, फौज को आपने ठीक करना है, आप अपने आप को ठीक करो तो वो सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। हम खुद ठीक नहीं है बेसिकली। देखो ना, इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं, ठीक, सियासतदान हमें मतलब वो मुल्क चला रहे हैं, जो इतने बड़े अहदों पे चले गए हैं वहाँ पे वो बैठ के अपने मुल्क चला रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि वो बुरे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हम कमाने के लायक भी नहीं है, हम अपनी फैमिली को कमा के नहीं दे सकते, और हम कह रहे हैं हम ठीक हैं। हम तबसरे वो लोग करते हैं जिनको घर में कोई दूसरी दफ़ा दाल नहीं देता, वो तबसरे कर रहे हो। सही हो गया सर। सर बेसिकली अभी मेरा जो टॉपिक है बात करने का पर्पस ये है, अभी रिसेंटली आपको खबर मिल गई होगी कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो गए हुए थे यूएस गए, तो सर यूएस से वापस आए तो उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरियां उन्हें मिली, और इंडिया और यूएस ने मिलकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अभी एक जो बहुत बड़ी एक सोच की बात है पाकिस्तान के लिए, डिस्कस करने का पर्पस ये कि यूएस ने अभी इंडिया को कहा कि 2030 तक नेवी लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहे हैं इंडिया को, हर तरफ नेवी के उनके जहाँ पर मिसाइल की ज़रूरत होगी वहाँ पर उनकी रिपेयर हो सकती है नेवीज़ की, जहाँ पर शिपमेंट होती है, तो पाकिस्तान की नेवी तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी इसके सामने। ऑलरेडी इंडिया, आप भी देखें ना, इंडिया मुकाबला करा चाइना का, तो जब चाइना के बराबर आएगा तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा हो जाएगा। हमें क्या अपग्रेड करनी चाहिए अपनी नेवी को अपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से? नहीं देखो, हम वही बात आ गई ना, एक आदमी को जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी, हम एक दूसरे से कंपेयर करें, मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करूं, आप इससे कंपेयर करें, वो दूसरे से कंपेयर करें, तो ये बात नहीं है। देखो पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है ना, उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हों, चीज़ें भी हों, और जो हमारे पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता, ठीक है ना। खेला जाता है जज्बे के साथ, एक बंदा डांग सोटी लेके आ जाता है ना, वो बंदूक वाले को मार के भी उसको उड़ा देता है। सर कैसे मारेगा, ये तो लॉजिक के खिलाफ बात है। नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। एक मिनट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूक लेके बड़ा मेरे पास गोला, आप वहाँ से डंडा लेके आएंगे, आप मेरे तक पहुँचने से पहले मैं उड़ा दूंगा। 1965 में क्या हुआ था, उनके पास कितने टैंक थे, कितनी चीजें थी, हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आते? लेकिन जानों के नजराने दिए हमारे फौजी। जान देना मकसद नहीं है ना सर। सर यहाँ पर जंग करना भी मकसद नहीं है, यहाँ पर अपनी तैयारी करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना नहीं था, मेरा पर्पस बात करने का ये था कि अपनी तैयारी हम उस हिसाब से करें ताकि दुनिया हमारी तस्करा भी करे तो इस वजह से करे कि वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई, जब हम किसी बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना तो फिर हम काम नहीं कर सकते। पहले कर रहे हैं, डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने आप को इनकरेज करना है। पहले कर रहे हैं काम जी, पहले कर रहे हैं। हर बंदा अपने लेवल पे कर रहा है, मैं नहीं कहता कि हम उस लेवल पे कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे होते, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता,
तो आज हमारा मुल्क यूरोप से आगे होता। जैसे अल्लाह ताला ने हमें देखो ना चार मौसम दिए हैं, बेहतरीन माहौल दिया है, लोग यहाँ पे हैं, इदारे हैं, चार मौसम की बात कर रहे हैं आप। चार मौसम अगर आप बात करें यूएस की, तो वहाँ पर तो तकरीबन 9 महीने पूरी के पूरी सर्दी पड़ती है, 2 या 3 महीने उनको सर्दी के मिलते हैं, गर्मी के मिलते हैं सॉरी, वो उधर भी सर्वाइव कर रहे हैं। चार मौसम की बात, ये लॉजिक नहीं समझ में आती। दूसरे नंबर पर एक बात करूंगा सर, अगर जब यूएस अभी देखें इंडिया के साथ क्यों इतना क्लोज है, वो इंडिया के उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो हर मुल्क के जाकर हर मुल्क के साथ उनकी जी हजूरी है, यहाँ पर आप बताएं कि हमारे चाइना के अलावा किसके साथ अच्छी दोस्ती है? नहीं, चाइना के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें, यहाँ पे ट्रेड हो जैसे यूरोप की हो रही है। हमें, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी कौम है तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करती। देखो आपने पहली बात की, सबसे पहले निद्र मुद्र की लड़ाई वाली बात की, हम ये क्यों ना सोचे कि उनके साथ लड़ाई नहीं, हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। लड़ाई की बात नहीं की मैंने, कहा कि वो अपने डिफेंस को सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए सर, हमें डिफेंस को भी करना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी में अभी उनके 13 तारीख को सर, इसी महीने के 13 तारीख को वो चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, स्पेस मिशन है। आपको पता स्पेस मिशन क्या होता है? देखो डिफेंस से पहले हमें अपनी ट्रेड को मजबूत करना है। जैसे देखो यूरोप का देखें, यूरोप के 28 मुल्कों ने अपने बॉर्डर खोल दिए और दुनिया में पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कहाँ पे हुई, सबसे पहले लोगों की हलाकतें कहाँ पे हुई, यूरोप में हुई, और यूरोप ने अपने बॉर्डर सारे खोल दिए, वहाँ पे सारा एक ही मतलब वो कंट्री की तरह एक ही करेंसी चल रही है यूरो, ठीक है ना। और जब उनकी ट्रेड हुई तो वो मुल्क तरक्की कर गए, उन्होंने लड़ना ही छोड़ दिया, लड़ना भूल गए, ठीक है ना। तो जब हम भी वर्ल्ड वॉर 3 के वेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम जब अपना लड़ना भूलेंगे ना, हम इंडिया के साथ और बाकी हम साया मुल्क के साथ अलग अपने अच्छे बनाएंगे, हमें करने चाहिए। 75 साल लग गए, करने चाहिए। देखो अब ये ना आपने ठीक करने या मैंने करने है, लेकिन हमारी जब तक ये सोच डेवलप नहीं होगी सर, ये मैंने भी ठीक करने है, ये आपने भी ठीक करने है, यहाँ से पॉजिटिव मैसेज दें, यहाँ वहाँ से वो भी पॉजिटिव मैसेज दें, दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, यहाँ के वजीर आजम वहाँ जाए, वहाँ के यहाँ आए, तो जब बड़ों के दरमियान सुलह होगी, आपको नहीं लगता कि छोटे तबके भी ऑटोमेटिक? बिल्कुल होनी चाहिए, हमें पिछली लड़ाइयाँ बुला के, सारा कुछ बुला के, चीज़ें बुला के, हमें ट्रेड पर बात करनी चाहिए, इकोनॉमिक पे बात करनी चाहिए, मीशत पे बात करनी चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करने पे बात करनी चाहिए, अपनी अदलिया जो है उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। हाँ, एक छोटा सा सवाल, अगर हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ, बायकॉट करते हैं ट्रेड्स की, तो इसमें नुकसान किसका? हमारा ही है, हमारा नुकसान है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है इस टाइम, हमारा नुकसान, दुनिया में उन्होंने मनवा लिया अपने आप को, हम कब मनवाएंगे? जब हम ट्रेड करेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। सही हो गया सर, फ्यूचर कैसे देखते हैं अगर एजुकेशन सिस्टम पे आज गौर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हम ठीक हो जाएंगे? देखो फ्यूचर सिस्टम पे जब हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे मुल्क में बजट कितना रखा है, 212 अरब या 202 अरब, कितना बजट ये सेहत के लिए और तालीम के लिए हम बजट रखते हैं, तो सबसे हमारा थोड़ा बजट जो होता है ना वो सेहत और तालीम के लिए है। तो जब तक हमारे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर बैठे होते हैं, जब तक उन 6 करोड़ बच्चों को हम अपने स्कूलों में नहीं लेके आएंगे, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो मैट्रिक तक नहीं देंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें साथ पैरेलल चीज़ों को चलना चाहिए, बेसिक जो हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन है, और साथ उसकी ट्रेड को हमें डेवलप करना पड़ेगा। सर नासा का पता? नासा एजेंसी स्पेस एजेंसी नहीं, स्पेस एजेंसी, देखो वो तो मैं कहता हूँ कि वो बाद की चीज़ें हैं, जब हम मैं सबसे पहले चीज़ें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले अपने घर में हम दाल रोटी चीज़ें खाने के काबिल हो जाए, बाद में ही तो मसला है। ये तो ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें दाल रोटी में इतना उलझाया गया है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। हमारी कौम को अभी तक हम उस लेवल पे आए ही नहीं है कि दाल रोटी से बाहर निकले। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो एक आम घर की आप बात कर लें, एक घर जो होता है ना, जब वो इस लेवल पे हो जाता है ना कि वो खाने पीने के काबिल होता है, फिर वो सोचता है कि यार मैं बाइक ले लूँ, जब वो बाइक लेता फिर कहता मैं कार ले लूँ, जब कार लेता फिर कहता यार मैं घूमने फिरने जाऊँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँ, मैं जर्मनी जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, या मैं नारायण का गान जाऊँ, वो बाद में सोचता है, बाकी चीज़ें बाद में सोचेगा जब उसके घर में चीज़ें पूरी होगी। तो मैं बेसिक चीज़ों की बात किया, जब हम बेसिक चीज़ें पूरी करेंगे तो बाकी चीज़ें फिर भी हमें सोचनी पड़ेंगी, और तरक्की तो फिर उसके साथ होगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लॉजिकल इंसान है आप, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड इवनिंग। जी सर मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? फाइन वेल सर। सर बेसिकली आज एक क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि यूएसए की मीटिंग के लिए गए थे नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर गए, और वहाँ पर बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो उस पर भी सिग्नेचर हुई। उसी के साथ साथ सर अभी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे, 2030 तक इंडिया को यूएसए नेवी लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उनकी जो है वो नेवी के वर्कशॉप्स खुलेंगे,
और अमेरिका की जो शिप्स होंगी वहाँ पर आके रिपेयर्स होंगी। सर क्या समझते हैं आप, इंडिया इतना ज़्यादा अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्या पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान की नेवी तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी इंडिया के सामने। इंडिया, अब बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपके सामने, इंडिया पाकिस्तान को मुकाबला नहीं, वो अब चाइना के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। क्या समझते हैं आपके, ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी बराबर में आना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखें, ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम ये एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है, हम एक हाथ की दो उंगलियाँ, गोरा गोरा गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। आपको पता होगा कुरैशी साहब, दो साल पहले जब DGI SPR आसिफ गफूर साहब हुआ करते थे, मेजर जनरल, इंडियन सब मरीन जिसमें न्यूक्लियर टारपेडो और मिसाइल्स मौजूद थे, वो कराची पाकिस्तान के पानियों के अंदर इंटर हो गई थी। उन्होंने वो इस वजह से इंटर नहीं हुए कि वो अपना बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा रहे थे, यहाँ से पाकिस्तान की अगस्ता भी निकल गई थी। मेजर गोरे वारिया साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उस टाइम हमारे जनरल बाजवा साहब होते थे, बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो हर चीज़ को पहले मॉनिटर कर चुके हैं। आपने जब गवादर बनाया, आपको वहाँ चाइना को मिलिट्री लॉजिस्टिक की किसी तरह भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखें इंडिया G20 में क्यों गया, अब ये वो वॉर नहीं है, अब तो वॉर बटन की दुनिया जानती, बेवकूफ़ नहीं है, वरना रशिया यूक्रेन जो चल रहा है, मेरा ख्याल ये 1.5 घंटे की जंग है, आवर प्लैनेट विल बी रिमूव। हमारा कुरैशी साहब, हिंदुस्तान की बात आपने नेवी की बात की कि वो वहाँ बना रहा है, जो नेक्स्ट ट्रेड है वो सी से होने वाला है। देखें, चाइना जब आया, उनके शिप्स यहाँ पर आए, मैं तो लाहौर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकड़ी की किश्तियों में मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ये रिडॉर वाले बड़े शिप ले आए हैं, दूर दूर तक तो कहीं मछली ही नहीं है पानी में। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आइंदा जो ट्रेड होगी वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। आप देखें, दुबई को एप्रीहेंशन है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है तो आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा, आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा। मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रांग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं, हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक, और इंडियंस वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन की G20 का, हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 के अलावा G7 का भी मेंबर है। सर अगर आप उनका GDP देखें तो हैरान रह जाएंगे, अगर मैं कहूँ तो मेजर गौरव आर्या नाराज़ हो जाएंगे कि हमारी सीक्रेट ये लाहौर माल रोड पे खड़ा होके यूं चले जा रहा है, फिर उन्होंने किसी हमारे जनरल को पकड़ लेना है। मैं कुछ नहीं उनके GDP के बारे में कहूँगा। बहरहाल, हमारा 0.52 गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अफगानिस्तान जो 40-45 साल जंगों में रहा, आफ्टर सोवियत इन्वेंशन, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उनका 2.25 गया। बांग्लादेश देखें वो कहाँ चला। आपने चाइना से जब भी डाल लिए नीचे तो देखें आपका जूस कितना गिर रहा है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सर क्या वजूहत है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पर लिया हुआ है, सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो, ये कुरैशी जितने वहाँ पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। सेंसिस कहते हैं 45 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कितने? 45 करोड़। फिर हम बात करते हैं टू रिलीजियस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, भगवान अल्लाह गॉड नहीं, हिंदू ये करता है जी, ये पकवान है, वो भगवान है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान क्यों बचाएगा? इसके पीछे लॉजिक भी होगी सर, हिंदुस्तान हमें क्यों बचाएगा? बड़े कहते थे कि खून जोश मारता है। आप अगर कॉस्ट देखें, पठान वहाँ पठान यहाँ, बलोच वहाँ बलोच यहाँ, कश्मीरी वहाँ कश्मीरी यहाँ, सिख वहाँ सिख यहाँ, सिंह वहाँ सिंह यहाँ, तब मियाँ वहाँ मियाँ यहाँ, पंजाबी वहाँ पंजाबी यहाँ, हिंदू वहाँ हिंदू यहाँ। आप लोग बेसिकली
फेथ आपका जो भी हो, इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता है हम कौन है, एक ओरिजिन है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो यू आर सेम रेस, आपका कल्चर एक है, आपकी ज़ुबान एक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट एक है। हाँ जी। आपकी हैबिट्स एक हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है हम दुआएं करते हैं, अगर पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया हो तो अल्लाह करे हिंदुस्तान जीते, वर्ल्ड कप को हवा लग के तो यहाँ आती रहेगी सर। बिल्कुल सही सर, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। लेकिन सर अगर हम 1000 साल पीछे चले जाएँ तो सर सारे एक ही थे हम, हमारे दादा परदादा। आप ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले 1.5-2 साल पहले जहाँ पे इंडिया में लोग सोने के प्याले में पानी पीते थे, फिर वो दौर आया कि वो यूँ पानी पीने लगे अंग्रेज़ के दौर में, उनके महाराजा बादशाह राजा। देखिए डिवाइड एंड रूल था, वो वहाँ पे चला गया, फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है। ब्रिटेन से अगर आप बाइबल को मानते हो, अगर आपका डूम्स डे लास्ट डे ऑफ जजमेंट पे ईमान है, आप लोग नहीं बख्शे जाओगे। लूट मार की हम आपको माफ़ करते हैं, कोई नूर हम आपसे नहीं मांगते यार, वो गलत फहमी तो दूर करो, वो रिकॉर्ड तो हमें दो कि हम क्या करके गए थे। आप दोनों न्यूक्लियर पावर हो, ना लड़ो, लड़ मर जाओगे। हमने अचीव यार, हम कहते हैं हम आपको अपना ना एक डिक्लेयर कर देते हैं कि आप हमारा सेकंड कैपिटल है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन वो हमें सच रख के बताओ हमने क्यों लड़ाया था आपको। नहीं मांगते अपना सोना, नहीं मांगते कोई नूर, कुछ नहीं मांगते जो लूट। यार क्या किया आपने, कितनी भारी कीमत, क्या ये रोड बनाए, सब कुछ किया। उस दौर में जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की थी, गोरों ने यहीं बैठ के सीखा था कि रेलवे लाइन कैसे बिछानी है। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, गंगा राम कौन थे, ही इज़ नॉट ब्रिटेन, ही इज़ इंडियन पाकिस्तान है। आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज कौन काम कर रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। exactly. अगर आप हमको कहते हैं दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर जस्ट एनिमल, आज भी हम क्राउन की इज्जत करते हैं इस वजह से कि हमारे बड़ों ने उसे ओबे किया था। exactly. हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आज तो हमें सच कह दो कि क्या करके गए थे कि हम उस जहनुम उस अंधेरे से निकल जाएं, वरना बटन पे हम ना रहे तो ब्रिटेन तुम भी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आपके लोग भी लंग कैंसर से मर जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान exactly. लड़ा। एग्जैक्टली exactly. सर यहाँ पर हमें इस बात से लड़ाया जाता है, हमें यहाँ पर यह बताया जाता है हमारी मीडिया के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू, कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आप इस चीज़ से कैसे देखते हैं, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पर कितनी बड़ी रैली गुजरी, का जी रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम ज्यूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो